बढ़ती हुई वैश्विक जनसंख्या और लगातार कम होती खेती योग्य जमीनों की जोत ने आम आदमी को तो सोचने के लिए मजबूर ही कर दिया है। कृषि वैज्ञानिकों को भी नई तकनीकों और नवीन कृषि पद्धतियों की खोज के लिए गंभीर कर दिया है। जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और कृषि वैज्ञानिक लगातार खाद्यान्न और फल सब्जियों के बेहतर उत्पादन की दिशा में कार्य कर रहे हैं। खेती के लिए जमीनों का आकार कम हुआ है, उसका एक बड़ा कारण है व्यवसायीकरण और शहरीकरण के चलते नई इमारतें और लगातार बनते नए घर। नए घरों के बनने से लोगों को छत तो मुहैया हो रही है, लेकिन ताजा फल सब्जियों की उपज और पूर्ति जरूरत के मुताबिक नहीं हो पा रही है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक को खोजा है, जिसे हम हाइड्रोपोनिक्स या बगैर मिट्टी की खेती के नाम से जानते हैं। नई तकनीक हाइड्रोपोनिक्स या बगैर मिट्टी की खेती। किसान भाइयों, इस नई तकनीक की सहायता से फल या सब्जियों की खेती के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। इस तकनीक से फल सब्जी उत्पादन के लिए बड़े खेतों या बड़ी जगह की भी जरूरत नहीं होती, बल्कि इस तकनीक की सहायता से लोग अपने खाली पड़े लॉन या बालकनी या फिर पक्की छतों पर फल सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। इस नई तकनीक की सहायता से रसभरी, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, कद्दू, खीरा, मिर्च, धनिया, करेला और लौकी के अलावा विभिन्न प्रकार के साग भी उगा सकते हैं। किसान भाइयों, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से फल सब्जी उत्पादन के लिए नर्सरी तैयार करने का तरीका भी आम तरीकों से बिल्कुल अलग है। इस तकनीक में स्पंज के माध्यम से पौधों को उगाया जाता है। स्पंज को सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस के घोल के अलावा सूक्ष्म तत्वों जैसे बोरान और कैल्शियम के घोल से भिगो दिया जाता है। स्पंज के कटे हुए हिस्सों में नर्सरी के बीजों को डाल दिया जाता है और लगभग 6 से 7 दिनों के बाद पौधे स्पंज से निकालने लायक हो जाते हैं। किसान भाइयों, इस नई तकनीक में पौधों की रोपाई के लिए मिट्टी की जगह लोहे या प्लास्टिक की पाइप का प्रयोग किया जाता है। इन पाइप्स में बराबर दूरी पर छेद रूपी संरचनाएं काट ली जाती हैं। इन कटी हुई संरचनाओं में गिलास या प्लास्टिक के बर्तनों या छोटे गमलों को रखा जाता है। इन बर्तनों में नीचे की ओर कुछ छेद बने होते हैं। इन नन्हे पौधों को सहारा देने के लिए इन बर्तनों में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए जाते हैं। इन टुकड़ों के बीच में नर्सरी में उगाए गए नन्हे पौधों को सीधा करके रख दिया जाता है। रोपाई से पहले प्लास्टिक के पाइप में पौधों के लिए जरूरी रसायनों और पोषक तत्वों का घोल भरा जाता है। उर्वरक घोल में 250 लीटर पानी के साथ 3 किलोग्राम मोनोपोटेशियम फास्फेट, 9 किलोग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, 15 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट और 8 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का मिश्रण होता है, जबकि पोषक तत्वों के घोल में 250 लीटर पानी के अलावा 300 ग्राम बोरिक एसिड, 50 ग्राम कॉपर सल्फेट, 500 ग्राम आयरन सल्फेट और 200 ग्राम मैग्नीज सल्फेट का घोल होता है। इन पौधों के बड़े हो जाने पर इन्हें सहारा देने वाली झाड़ या जाल इत्यादि की जरूरत होती है। आइए और अधिक जानकारी लेते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद अखिला से, जो सिंगापुर से इस आधुनिक तकनीक का अध्ययन करके आपके सामने लाए हैं। किसान भाइयों, आज
हम आपको हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती करने का तरीका बताने जा रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स अर्थात बिना मिट्टी के खेती। हाइड्रोपोनिक्स का जो तरीका होता है उसमें सिर्फ पानी में सब्जियां उगाई जाती हैं, और क्योंकि जो हम पारंपरिक हमारी सब्जी उगाने का तरीका है और फल उगाने के तरीके हैं, उसमें हम जमीन में बहुत से उर्वरक डाले जाते हैं, बहुत से कीटनाशक डाले जाते हैं जो जमीन के जरिए से पौधों में अवशोषित होते हैं और ऊपर जा करके वो अपना काम करते हैं। इस विधि से जो पारंपरिक पौधे हैं वो खासकर बेल वाले पौधों में बहुत ज़्यादा इसकी सफलता देखी गई है, जैसे लौकी, कद्दू, टमाटर और खीरा है या तरोई है। वो ऐसे पौधे जो सब्जियों के हैं जो कि बेल की तरह बढ़ते हैं और वो ट्रैक्टर पे या और दूसरे सपोर्ट के साथ लगाए जाते हैं, उनका जो है वो हाइड्रोपोनिक विधि से बहुत अच्छे तरीके से वो विकसित होते हैं। और फलों में यहाँ तक कि अनानास की भी खेती हाइड्रोपोनिक विधि से की जाती है। तो विशेष बात यह है कि एक तो इनका फार्म में बड़े स्केल पर भी ये पौधे लगाए जा सकते हैं, और जो घरों में जो लोग सब्जियां उगाते हैं, बालकनी में उगाते हैं या गमलों में उगाते हैं, उनके लिए भी ये विधि बहुत कारगर है और वो जैसा चाहें उस तरीके का पदार्थ सब्जियों से प्राप्त कर सकते हैं, उनकी पौष्टिकता उसी तरीके से बढ़ सकती है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि प्रयोगशाला में किस तरीके से इन पौधों को बढ़ाया जाता है, उनको पाला पोसा जाता है। सबसे पहले एक फोम का टुकड़ा लेते हैं और उसमें छोटे छोटे कट लगा देते हैं, और उन कट्स में जिस चीज़ को भी उगाना है, जैसे धनिया के बीज हैं या प्याज का पौध लगानी है, उस तरीके के बीज उसमें बो दिए जाते हैं, और उस फोम को पानी से, एक स्प्रे से या फिर गिलास से भी डाल सकते हैं, और फोम को नम कर दिया जाता है और उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी से मॉइस्ट रखा जाता है। इस तरह से इसको नमी देने के बाद छोड़ दिया जाता है, और जैसा भी हमने जो भी चीज़ लगाई है उनकी एक जर्मिनेशन का टाइम होता है, मतलब पौधे अंकुर फूटने का समय होता है। कुछ अंकुर 7 दिन में निकलते हैं, 15 दिन में, 1 महीने तक, और जब अंकुर फूट जाते हैं उसके बाद जब लगभग करीब 1 इंच का पौधा हो जाती है, यानी कि पौध निकल आती है, तो उनको धीरे धीरे से आप कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में उन पौधों को अलग कर लेते हैं। जब ये पौध निकल जाती है तो इनकी जड़ें जैसे मिट्टी में फैलती हैं उसी तरह से वो फोम में फैल जाती हैं। फिर हम एक गमला लेते हैं, और ये गमले विशेष तरह के होते हैं, जो हमारे आमतौर से जो गमले होते हैं वो सब तरफ से बंद होते हैं, ये जालीदार गमले हैं। तो अब इसमें हम जैसा भी आपकी पौध है, जिस तरीके का भी आपने साग सब्जी है या फल है या पौधा है जो लिया है, उस तरह से इसमें इनमें लगा देते हैं एक सपोर्ट के साथ। फिर इसमें हम एक वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब वो घोल बनाते हैं पौष्टिक पदार्थों का जो हम पौधों को देना चाहते हैं, जैसे कि बोरन है, जिंक है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ये सब। और जो उर्वरक जो हम साधारण तौर पे देते हैं जमीन के जरिए, उनका भी एक घोल बना लेते हैं। अब इस घोल को हम जो एक इनलेट देते हैं ये अपने गमले में, और एक आउटलेट देते हैं, और इस घोल को प्रवाहित किया जाता है। अब इसमें जड़ें हमारे फोम में पहले से हैं, और जब ये घोल प्रवाह किया जाता है तो पानी के साथ साथ वो सभी पदार्थ जो पौधों के लिए आवश्यक है वो उसमें चलते रहते हैं, ऊपर जाते रहते हैं। धीरे धीरे ये पौध और बड़ी होती जाती हैं, और इन्हीं गमलों में फिर आप एक सपोर्ट दे देते हैं ऊपर। अगर बेल नुमा आपने सब्जियां उगा रहे हैं तो उसको एक सपोर्ट दे देंगे, वो बढ़ती चली जाएंगी। और अब इसको जब घर में करते हैं या फार्म पे करते हैं तो नीचे से तो आपने सारी सुरक्षा कर ली और सब तरीके का आपको शुद्ध बिल्कुल जो है वो एनवायरनमेंट मिल गया। और अब ऊपर से बचाने के लिए आप इसके ऊपर एक नेट लगा सकते हैं जहाँ कहीं भी इसकी खेती कर रहे हैं। आजकल पॉली हाउस आते हैं, पॉली नेट्स आते हैं, जिससे कि बाहर से भी जो कीड़े पतंगे या चिड़िया आ जाती हैं तो वो नेट लगा ले मच्छरदानी के तरीके का, तो उससे भी आपकी पूरी बचत हो जाती है, कोई पोल्यूशन नहीं मिलता। अब सरसों भी उगा सकते हैं, प्याज उगा सकते हैं, साग और जो बेल वाले फल हैं वो बहुत आसानी से उग जाते हैं। किसान भाइयों, इस नई तकनीक से फल सब्जी उत्पादन के लिए अलग से किसी भी प्रकार के उर्वरक या कीटनाशकों की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए भी हितकर हैं। इस नई तकनीक से किसान तो बेहतर उत्पादन प्राप्त ही कर सकते हैं, शहरों के लिए भी ये तकनीक फायदेमंद है।